10 साल का लड़का आयुष और 6 साल की लड़की तन्वी, दोनों भाई बहन जो बिना परिवार के सड़कों पर रहते हैं। एक दिन वो सड़क पर चल रहे थे, अचानक छोटी लड़की ने चलना बंद कर दिया और दुकान की तरफ देख लिया। उसे एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। वो उसकी तरफ आकर्षित हुई और अपने भाई से उसके लिए गुड़िया खरीदने को कहा, लेकिन उसके भाई के पास पैसे नहीं है और वो उसके लिए गुड़िया नहीं खरीद सकता। लेकिन उसके चेहरे को देखकर वो उसकी खुशी को मायूस नहीं होने दे सकता था। आयुष और उसकी बहन दुकान के अंदर गए। वो दुकानदार से पूछता है, गुड़िया की कीमत कितनी है? दुकानदार ने कहा कि 50 रुपए। वो दुखी हो गया और उस दुकानदार से कहा कि अगर मैं उस गुड़िया को उसके लिए खरीदूंगा तो मेरी बहन बहुत खुश होगी, लेकिन मेरे पास उसके लिए पैसे नहीं है। पैसे के अलावा मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं अगर आप मेरी बहन को गुड़िया दे देते हैं। दुकानदार ने कहा कि इस मामले पर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता हूं, तुम जाके इस दुकान के मालिक से बात करो जो वहीं पर बैठा है। आयुष मालिक के पास गया और उसके बारे में कहा। उसके बाद मालिक ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर गुड़िया दूंगा, अगर तुम मुझसे अपनी बहन को सुरक्षित और खुश रखने का वादा करते हो। लड़का मुस्कुराया और कहा कि वो मेरी सब कुछ है, मैं हमेशा उसे प्यार दूंगा और उसे सुरक्षित रखूंगा। उसके बाद मालिक ने कहा कि अपनी बहन को मेरे पास ले आओ, और फिर मालिक ने उसको गुड़िया दे दी। जिस समय मालिक ने गुड़िया लड़की को दी, आयुष को थोड़ा झटका लगा और वो अपनी बहन के साथ दुकान से निकलते समय तनावपूर्ण तरीके से सोचने लगा। वो लौटते समय कुछ सोच रहा था और उसकी मुस्कुराहट उड़ गई। उस दिन के बाद आयुष सड़क के उस पार दुकान के अंदर झांकते हुए गुजरने लगा। ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। वो हमेशा दुकान के अंदर झांकता और दिन रात दुखी चेहरे के साथ मायूस होकर वहां से गुजर जाता। आयुष ने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी और उसने पैसे कमाने का प्रबंधन किया और एक मकान किराए पर लिया और वहां पर अपनी बहन के संग वो रहने लगा। एक दिन जब आयुष काम से घर लौट कर आया और फिर वो अपने बिस्तर पर बैठा, उसकी बहन उसके पास आई और उससे पूछने लगी, भैया मैंने रोज आपको देखा है, आप बहुत थके हुए और बहुत उदास रहने लगे हो, आपने अपनी मुस्कुराहट कहीं खो दी है, क्या बात है भैया? कई साल हो गए, कब से मैंने आपको मुस्कुराए हुए नहीं देखा है। बहन की बात सुनकर आयुष भावुक हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि क्या तुम्हें याद है जब हम छोटे थे और मैंने तुम्हें एक दुकान से एक छोटी सी गुड़िया खरीद कर दी थी। बहन ने कहा कि हाँ उसे याद है और बताया कि वो गुड़िया अभी उसके साथ है। आयुष ने अपनी बहन को बताया कि जिस मालिक ने गुड़िया दी थी वो तो हमारे पिता हैं। उसकी बहन हैरान हो गई और बोली कि तुम क्या कह रहे हो भैया, तुम्हें उनको पहचानने में गलती हुई होगी, क्योंकि हमारे पास तो हमारे माता पिता है नहीं, वो रहे नहीं है। आयुष ने कहा कि पहले मुझे लगा कि मैं गलत था क्योंकि मैं उनके चेहरे को नहीं पहचानता था, लेकिन जब मैंने उनके हाथों में वो टैटू देखा तो मुझे अचानक याद आया कि वो हमारे पिता हैं और मैं उस टैटू को जानता हूं, लेकिन मुझे उनका चेहरा याद नहीं है और इसीलिए मैं हर रोज उनकी दुकान के पास से गुजरता हूं ताकि वो मुझे याद कर सके, लेकिन मैं गलत था, वो वही व्यक्ति है जिसने हमें सड़क पर छोड़ दिया था, जिसने हमें बिना किसी प्यार के छोड़ दिया, जो कभी भी हमारी तलाश में नहीं आया और हमें उनकी दुकान में देखने के बाद भी उन्हें याद नहीं आया कि हम उनके बच्चे हैं। आयुष की बात सुनकर उसकी बहन सिसक सिसक कर रोने लगी और उससे कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया, हमें अभी उनके पास जाना चाहिए और अगर हम उन्हें इस बारे में बताएंगे तो हमारे पिताजी हमें जरूर पहचान लेंगे। ये बात बहन ने भाई से बोली, लेकिन आयुष तैयार नहीं था इसके लिए। उसने कहा कि हम उनके पास कभी नहीं जाएंगे। भाई बहन में बातचीत हुई, उसके बाद आयुष ने अपनी बहन की बात सुनी, वो मान गया और वो दोनों दुकान जाने के लिए निकल गए। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दुकान बंद थी। फिर वो दूसरी दुकान पर गए और पूछा कि आज ये दुकान बंद क्यों है। दुकानदार ने कहा कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए दुकान बंद है। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास उनके घर का पता है? दुकानदार ने कहा, नहीं मेरे पास पता नहीं है। वो हर किसी से उनका पता पूछने लगे,
उनका दिल तेजी से अब धड़क रहा था। किसी तरह उन्हें एक आदमी मिला जो मालिक को जानता है और उसने मालिक का इनको पता दिया। वो उस दुकान मालिक के घर पहुंचे और जब उन्होंने घर देखा तो वो बहुत भावुक उठे और घर के अंदर कदम रखने से डर रहे थे। आयुष की बहन ने आयुष का हाथ थामा और दोनों दरवाजे की ओर आगे बढ़ने लगे और फिर घंटी बजी। एक महिला जो नौकरानी थी उसने दरवाजा खोला और उसने पूछा कि वो किससे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उससे कहा कि वो मालिक से मिलना चाहते हैं। नौकरानी ने उनको बताया कि वो ठीक नहीं है और अभी वो सो रहे हैं, लेकिन किसी तरह से उन दोनों ने नौकरानी को मना लिया और उनके कमरे में चले गए। उन्होंने देखा कि मालिक सो रहा है और भारी भारी सांसें ले रहा है। लड़की उस आदमी की तरफ दौड़ी और उसका जाके हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि पिताजी, तुमने हमें सड़क पर अकेला क्यों छोड़ दिया। नौकरानी हैरान रह गई और दोनों के चेहरे को देखा और उससे पूछा, तुम आयुष और तन्वी हो ना, तुम इनके दोनों बच्चे हो। आयुष ने कहा, हाँ हम ही हैं, और उन्होंने हमें छोड़ दिया सड़कों पर। वो कभी भी हमें खोजने के लिए नहीं आए कि हम कहां हैं, किस हाल में हैं, और इन्होंने हमें तब भी नहीं पहचाना जब हम इनकी दुकान पर गए, क्योंकि वो हमें नहीं चाहते थे। आयुष की यह बात सुनकर उस महिला ने कहा, आपके पिता आपको कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि वो कुछ भी देख नहीं सकते हैं, वो अंधे हैं, और तुम्हारे पास जो आंखें हैं ना, वो तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ने तुमको दी है। महिला ने उनको सब कुछ बताया। क्या आयुष, आपने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। आप पहले पैदा हुए और उसके बाद आपकी बहन का जन्म हुआ। उसके बाद आपकी मां नहीं रही, लेकिन जब आप 4 साल के थे ना, तो आपके पिता ने आपको अपनी आंखें देने के लिए सोचा, ताकि आप इस दुनिया को देख सकें कि ये कितनी सुंदर है, ये कितनी खूबसूरत है। जिस दिन आपके पिता ने आपको आंखें दी, वो बहुत ही गंभीर अवस्था में थे और अपनी आंखें दान करने के बाद वो आईसीयू में थे। और जब आप इस दुनिया को देखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए, तो डॉक्टर आपको और आपकी बहन को उस कमरे में ले गए जहां आपके पिता थे, और डॉक्टर आपको बताना चाहते थे कि आपके पिता ठीक नहीं है। उस समय आप अपने पिता का चेहरा नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। आपने उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने आपसे कहा कि आप कमरे के बाहर अपनी बहन के साथ रहें। आप बाहर गए, लेकिन आप वापस आने का रास्ता भूल गए। आपके पिता के पास आपको खोजने के लिए कोई भी चीज नहीं थी जो आपको ढूंढने में उनकी मदद करती, और वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे करके उम्र बीतती चली गई और आप फिर कभी नहीं लौटे। ये सारी कहानी सुनकर आयुष और तन्वी दोनों अपने पिता के पास पहुंचे और उनको जोर से गले से लगाया। उनके पिता ने कहा कि मुझे हमेशा से पता था कि तुम दोनों मेरे पास वापस जरूर आओगे मेरे बच्चों। अब मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे मेरी लास्ट स्टेज में मेरे साथ हैं। आयुष ने कहा, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। मुझे माफ करना पिताजी, मुझे उस दिन आना चाहिए था जब मैं आपकी दुकान पर गया और मैंने आपको देखा था। उनके पिता ने कहा, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है बेटा, तुम दोनों मेरे साथ हो, बस मुझे यही चाहिए। सब बहुत खुश हुए और आयुष को उसकी मुस्कुराहट वापस मिल गई। उनकी उपस्थिति को याद करते हुए वो दोनों अपने पिता का हाथ पकड़े हुए प्रसन्न चेहरे के साथ घर के बाहर चले जाते।